हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू करने वाले हैं डोमिनार 400, बजाज डोमिनार 400। बहुत कमेंट्स आ रहे थे, बहुत लोग बोल रहे थे कि डोमिनार लाओ, डोमिनार लाओ। तो आप लोगों के लिए डोमिनार 400 का रिव्यू आज करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग सब की बात करेंगे, सस्पेंशन क्या है, आपको लेनी चाहिए 2021 में, ये भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज रिव्यू करेंगे डोमिनार 400 का। ये है इसका फ्रंट लुक एंड लेट्स गो टू साइड व्यू। ये है इसका साइड व्यू। बहुत बहुत मस्कुलर है यार बाइक, और बहुत हैवी वेट बाइक है, तो जान तो होगी बजाज की है। बहुत, चलो इसकी बात करते हैं पावर एंड परफॉर्मेंस की। ये मिलती है आपको फ्यूल टाइप पेट्रोल में। मैक्सिमम पावर है इसकी 39.42 bhp विद 8800 rpm। मैक्सिमम टॉर्क है इसका 35 Nm विद 6500 rpm। इमिशन इसका BS6 में आ जाती है आपको। डिस्प्लेसमेंट इसका मिल जाता है आपको लगभग 373.27 cc। एक सिलेंडर के साथ आती है डोमिनार 400। इसका बोर है 89 mm का एंड इसका स्ट्रोक है 60 mm का। चार वाल्व सिलेंडर हैं इसमें। कंप्रेशन रेशियो इसका है 12:1। इग्निशन इसमें मिल जाता है DTSI। स्पार्क प्लग्स मिल जाते हैं आपको इसमें 3 पर सिलेंडर। कूलिंग सिस्टम मिल जाता है इसमें आपको लिक्विड कूल्ड। एंड ट्रांसमिशन मिल जाता है 6-speed मैनुअल। डोमिनार 400 6-speed मैनुअल के साथ आती है आपकी बाइक। चेन टाइप ट्रांसमिशन टाइप मिल जाता है आपको, चेन ड्राइव। क्लच मिल जाता है आपको स्लिपर क्लच। लुक है इसका ब्लैक कलर में, आज आप देख रहे हैं डोमिनार 400। इसका फ्यूल डिलीवरी सिस्टम, इसमें फ्यूल इंजेक्शन है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी आपको मिल जाती है 13 liters की। बहुत बड़ा इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। रिजर्व फ्यूल इसमें मिल जाता है आपको 1.5 liter का। पेट्रोल ख़त्म का रिज़र्व लग जाता है इसमें, 1.5 liter का इसमें पेट्रोल रहता है। लगभग अगर आप इसे फुल करवाओगे तो ये 364 किलोमीटर आपकी ये चली जाएगी आराम से। और अगर हम ओनर से बात करते हैं और देखते हैं कि इसका कितना माइलेज आता है, तो इसका निकल जाता है अराउंड सिटी में 28 किलोमीटर पर लीटर। ब्रेकिंग व्हील्स एंड सस्पेंशन की बात करते हैं, इसमें ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है आपको ड्यूल चैनल ABS एंड फ्रंट ब्रेक मिल जाते हैं आपको डिस्क ब्रेक। एंड फ्रंट ब्रेक में ना आपको 320 mm के ब्रेक साइज मिल जाते हैं। रियर ब्रेक मिल जाते हैं आपको डिस्क, इसमें आपको मिल जाता है 230 mm के ब्रेक साइज, ठीक है। व्हील टाइप आपको दोनों में अलॉय मिल जाएंगे, बहुत मज़ेदार अलॉय। फ्रंट का व्हील साइज मिल जाता है आपको 17 inches एंड रियर व्हील साइज मिल जाता है आपको 17 inches। फ्रंट के टायर साइज की बात करें तो आपको मिल जाता है 110/70 R70 ट्यूबलेस। एंड रियर की बात करें जाए तो मिल जाता है 150/60 R17 ट्यूबलेस। दोनों टायर आपके ट्यूबलेस मिल जाएंगे, रेडियल टायर्स हैं। फ्रंट टायर प्रेशर और रियर टायर प्रेशर आगे का होना चाहिए 29 psi एंड रियर का होना चाहिए 32 psi। सस्पेंशन की बात करते हैं, फ्रंट में आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक 43 mm USD फॉक 135 mm ट्रेवल का। और रियर सस्पेंशन मिल जाते हैं आपको मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक विद नाइट्रॉक्स। व्हील स्ट्रोक ऑफ 110 mm का। डायमेंशंस एंड चेजेस की बात कर लेते हैं तो आपको इसमें मिल जाता है कर्व वेयर अराउंड 187 kg का कर्व वेट मिल जाता है। और इसकी लेंथ की बात की जाए तो आपको मिल जाती है 2176 mm की। विड्थ की बात की जाए तो इसमें आपको मिल जाती है 836 mm की विड्थ मिल जाती है। ओवरऑल इसकी हाइट है 112 mm की। व्हील बेस आपको मिल जाता है 143 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा कम है, 157 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको।
सीट हाइट मिल जाती है आपको 800 mm की। चेसिस टाइप मिल जाता है, बीम टाइप पेरीमीटर फ्रेम मिल जाता है आपको। वारंटी की बात की जाए तो उसमें स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है आपको 5 ईयर्स की, विद स्टैंडर्ड वारंटी किलोमीटर्स अराउंड 75,000 किलोमीटर्स। इसके फीचर्स की बात की जाए तो उसमें ओडोमीटर आपको मिल जाता है, डिजिटल DRLs मिल जाती हैं आगे, डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाती हैं आगे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, स्पीडोमीटर आपको डिजिटल मिल जाता है इसमें, देखो स्पीडोमीटर। और यहाँ पर इसका गियर्स का गियर शो होंगे, यहाँ पर टाइम शो हो रहा है, ऑडियो शो हो रहा है। इसमें फ्यूल गॉज मिल जाता है आपको, टैकोमीटर आपको डिजिटल मिल जाता है इसमें, स्टैंडर्ड अलार्म मिल जाता है, स्टेप्ड सीट मिल जाती हैं, और इसमें आपको ट्रिप मीटर्स 2 सेट करने के लिए मिल जाते हैं। ट्रिप टाइप डिजिटल है, लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, लो ऑयल इंडिकेटर मिल जाता है आपको इस बाइक में। पिलियन सीट्स मिल जाती हैं, पिलियन फुट रेस्ट मिल जाते हैं आपको, पिलियन ग्रैब ग्रिल मिल जाती है आपको पकड़ने के लिए पीछे। स्टार्ट टाइप इसका इलेक्ट्रिक है, ठीक है। अब इग्निशन सुना है आपको, इग्निशन सुनना है इसका ध्यान से, कितना पावरफुल है। बहुत जबरदस्त इग्निशन है इसका। शिफ्ट लाइट मिल जाती हैं आपको इसमें, शिफ्ट लाइट्स मिल जाती हैं इसमें आपको, क्लॉक मिल जाता है, क्लिक किल स्विच मिल जाता है, इलेक्ट्रिक सिस्टम मिल जाता है 12 वोल्ट का DC, बैटरी मिल जाती है 12 वोल्ट की, हेडलाइट टाइप इसका LED है विद AHO, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ब्रेक लाइट्स मिल जाती है इसमें आपको LED पीछे, टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं और पास लाइट मिल जाती है। ये ऐसा लुक है भाई, मस्ट रिकमेंडेड है ये बाइक, ज़रूर एक बार मेरे कहने से ना एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना इस बाइक की, पता चल जाएगा क्या वीडियो है जो मेरी आंखें देख पा रही हैं इस वीडियो में, वो आप लोग शायद ही देख पा रहे होंगे इस वीडियो के थ्रू। प्लीज़ एक बार अपने नियरेस्ट बजाज शोरूम पर ये बाइक ना एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेके देख लेना 400 की, पता चल जाएगा बाइक का आप कितनी पसंद है। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो डोमिनार 400 स्टैंडर्ड BS6 की जो प्राइसिंग रखी गई है बाइक कंपनी, वो है 2,06,1600 एक्स शोरूम ऑन रोड। आपको डीलर टू डीलर डिपेंड करता है वो आपको क्या रेट देते हैं, क्या वो प्रॉफिट रख रहे हैं। एक बार मेरे कहने से ये बाइक ज़रूर टेस्ट ड्राइव लेना और ज़रूर एक बार देखने जाना। और अगर इसके कॉम्पिटिशन की बात की जाए ना तो इसके कॉम्पिटिशन में मिल जाती है आपको रॉयल इनफील्ड हिमालयन, KTM 250 मिल जाती है आपको, ड्यूक और सुजुकी जिक्सर मिल जाती है 250। मगर भाई अगर इन तीनों का मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ ना कि इनका राइवल्स ये हैं तीनों के, मगर भाई मेरी बेस्ट बाइक ना भाई सबसे ज़्यादा ये है, क्योंकि अगर आप तीनों की टेस्ट ड्राइव लोगे ना सब कुछ लोगे तो डोमिनार इज़ द बेस्ट, ऑलवेज बेस्ट। तो बस इतना ही बोलूँगा, डोमिनार एक बार लेना और बहुत ही लुक प्यारा मिलता है। ये अभी आप ब्लैक कलर देख रहे हो, पूरा ड्यूल ब्लैक कलर है, इसमें आपको एक और कलर मिल जाता है ग्रीन। और अभी 250 डोमिनार में तो बहुत सारे कलर्स अभी आने वाले हैं, अगर मेरे को टाइम मिला या मैं ना आपके स्क्रीन पर भी लगा दूंगा 250 के। ये आप देख रहे हो डोमिनार 400, मगर अगर आपको डोमिनार 250 भी चाहिए ना तो मैं उसके आजकल में कलर्स आने वाले हैं तो मैं स्क्रीन पे कलर्स लगा दूंगा कि ये कलर्स आने वाले हैं। आप 250 भी देख सकते हो डोमिनार, वो भी बहुत पावरफुल है, मगर इसका तो कोई जवाब ही नहीं भाई। अब ये बात करते हैं कि क्या आपको 2021 में डोमिनार लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। देखो इन माई प्रस्पेक्टिव आपको ये बाइक का एक बार टेस्ट ड्राइव लोगे ना भाई दिल आ जाएगा सच में। अगर आप रॉयल इनफील्ड हिमालयन की लोगे, KTM 250 ड्यूक की लोगे, सुजुकी जिक्सर की लोगे, जो मैंने आपके इसके राइवल्स बताए हैं, मेरे कहने से तो ये बाइक आज भी उतनी ही फैन फॉलोइंग इसकी इतनी ही है जब ये 2019 में लॉन्च हुई थी, आज भी ये उतनी धमाकेदार बिक रही है और बिकती रहेगी, क्योंकि इसके लुक्स ही ऐसे हैं भाई, इतनी पावरफुल बाइक है और बहुत ज़्यादा मस्कुलर लगती है बाइक।
ये आप कहीं भी लेके चले जाओ भाई, एडवेंचर पे चले जाओ, नॉर्मल सिटी में चलानी है सिटी में चला सकते हो, हाईवे पे बहुत अच्छा रिस्पांस देती है बाइक, आपको इसे ले लेके जाना है आराम से ले जाएगी ये बाइक, बहुत बहुत पावरफुल बाइक है यार, तो मस्ट रिकमेंडेड है। 2021 में ज़रूर परचेज़ करो, जिसे डाउट हो रहा है कि 2021 में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, आइदर गो फॉर 250 और गो फॉर डोमिनार 400, बोथ आर बेस्ट। तो भाई एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको डोमिनार 400, क्योंकि भाई मेरी तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट बाइक है, तो इसका चलाने का मज़ा ना वो अल्टीमेट ही है, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं डोमिनार, एक बार ना आवाज़ सुनना, आवाज़ बिल्कुल आवाज़ दिल से सुनना इसकी आवाज़, बजाज का साथ तो हमेशा ही हमारे साथ है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि एक बार ना ये बाइक की ज़रूर टेस्ट ड्राइव लेना, और अगर आपको टेस्ट ड्राइव लेनी हो या कोई भी स्पेसिफिकेशन कुछ भी कंसल्ट करना हो रिलेटेड टू फाइनेंस, इसके फीचर्स कुछ भी कंसल्ट करना हो ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा पुष्पक बजाज का, पुष्पक बजाज का पूरा एड्रेस डाल दूँगा, फ़ोन नंबर डाल देना, परेशान कर देना चाहे पूछ पूछ के, ठीक है, मगर पूछना ज़रूर, लेनी हो तो पूछना भाई, ज़बरदस्ती फ़ोन करके परेशान मत करना, ठीक है। वैसे जितना मर्जी परेशान कर लेना, फाइनेंस पूछना हो, किसी बारे में कंसल्ट करना हो, ठीक है, किसी बारे में पूछ लेना। तो ये बाइक तो मस्ट रिकमेंडेड है, एक बार गो फॉर इट, ठीक है, एक बार टेस्ट ड्राइव लो, एक बार चला कर देखो, परचेज़ करनी होगी वो तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप ये लेते हो कि नहीं लेते। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। कंटेंट ऑन द वे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बाइक्स के, बहुत अच्छी अच्छी कार्स के, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पीस, हरिद्वार।